तो नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मंडे के लिए आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेके आऊं जो इंट्राडे में आपको जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये दोनों ही स्टॉक आपको अपडेट किए जाएंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल और एक एजुकेशन पर्पज से होने वाला है। और साथ में दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल जो एनालिसिस बताएंगे उसमें जो भी आप लोगों को पॉइंट देंगे तो प्लीज़ उनको नोट करके चलिएगा, जिससे आप लोगों को दोस्तों काफ़ी हेल्प होगी आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल मजबूत करने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मार्केट अपडेट दे देता हूं। तो आप देख सकते हो मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो करीबन टॉप गेनर की लिस्ट है और यहाँ पर टॉप लूजर की लिस्ट है। तो इन्हीं में से दो बेहतरीन स्टॉक है जो हमें मंडे को जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो चलिए जो फर्स्ट स्टॉक है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है SRF लिमिटेड। SRF की अगर मैं बात करता हूँ तो 2.25% की तेज़ी के साथ स्टॉक 2750 पे क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 2628.60 रुपये, स्टॉक ओपन हुआ 2697 रुपये। ठीक है, हाई लगाया 2773.35 रुपये और यही स्टॉक का 52 वीक का हाई बन गया और लो बनाया दोस्तों 2686.20 रुपये। मोमेंटम तो बहुत जोरदार हुआ स्टॉक में। वॉल्यूम की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,500,000 दोस्तों 80,000 के समथिंग, 1,580,000 के समथिंग यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड होते देखने को मिली। और साथ में अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी पैटर्न ये बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 51% से ऊपर का यहाँ पर डिलीवरी पैटर्न है। 8,16,000 क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है, तो यहाँ पर एक मजबूती देखने को मिल रही है और परफॉर्मेंस भी एक जोरदार मजबूती देखने को मिल रही है। तो अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, मंडे के लिए क्या मूवमेंट देता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों SRF का चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है। ठीक है, और 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगा हुआ है, तो उसी के साथ साथ देख सकते हो कि SRF का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था ऊपर ही साइड में अगर हम बात करें तो ये दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है लगभग 2710 रुपये के आसपास का। ठीक है, जिसने हमें बहुत ज़ोरदार मार्केट में मोमेंटम दिया है। ठीक है, और 2710 के बाद 2725 का लेवल, सेम प्राइस पे यहाँ पर भी मोमेंटम हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, लेवल देखिए, एक लेवल पर कितना स्टॉक टाइम बिता रहा है, 2725 रुपये। प्रीवियस में भी यही देखा हमने, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2700 रुपये का लेवल जो एक साइकोलॉजी नंबर है और 2725 रुपये का लेवल जहाँ पर एक दोस्तों रिजेक्शन पॉइंट है, और यही रिजेक्शन पॉइंट स्टॉक का क्या है दोस्तों, एक मैग्नेटिक लेवल बना हुआ था। अब जब नीचे से इसने एक लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, ठीक है, बीच में तब दोस्तों उसने 2700 रुपये का लेवल का एक बीच में रिजेक्शन बनाया, एक मेन रिजेक्शन बनाया, तो आराम से इसको ब्रेक देखिए ऊपर गया। ठीक है, नीचे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल था 2675 का सपोर्ट बनाया, टाइम बिताया कहाँ पर ऊपर जाने के बाद 2700 रुपये का लेवल, फिर नीचे आया, फिर उसी लेवल पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया दोस्तों, तो यहाँ पर टाइम बिता के ऊपर गया, उसी लेवल को टेस्ट किया जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा था, फिर नीचे आया, वहीं पर सपोर्ट बनाया जहाँ पर उसको बनाना था, फिर ऊपर गया, फिर कहाँ पर टाइम बिताया इसने 2700 रुपये के लेवल पे, फिर ऊपर गया ना दोस्तों, तो 2600 रुपये के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया आप देख सकते हो। और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो वो ब्रेकआउट दोस्तों एक सिंगल कैंडल में इसने दिया है, आप देखिए एक सिंगल कैंडल में दिया है टाइम बिताने के बाद, मतलब टाइम को वहाँ पर सस्टेन किया, वॉल्यूम को इनक्रीज किया। ठीक है, और साथ में जो बार बार देख के यहाँ पर क्या कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे ना, उनके अगर यहाँ पर SL लगे होंगे ना दोस्तों तो वो लेके गया। क्यों लेके गया दोस्तों, क्योंकि देखिए गिरा, यहाँ पर गिरा, अब यहाँ पर उतना टाइम नहीं बिताया जितना यहाँ पर इसने बिताया, मतलब यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया इसने। ठीक है, वॉल्यूम को इनक्रीज़ किया, देन उसके बाद जाके उसने एक सिंगल कैंडल में दोस्तों क्या किया, एक सडनली ब्रेकआउट दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक जो बायर्स थे वो एक्टिवेट हुए इस लेवल को फाइंड करके, क्योंकि स्टॉक बार बार एक ही लेवल से ऊपर जा रहा है, बीच में एक लेवल पर बार बार रुक रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार रुका है तो काफ़ी देर से रुका है, तो यहाँ पर मोमेंटम हमें जोरदार मिलेगा, तो वही हमें देखने को मिला। और उसके बाद भी स्टॉक क्या हो गया, जाके फ्लैट हो गया कहां पर 2725 रुपए के लेवल के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं, जो इंपॉर्टेंट लेवल था ना उसने बहुत अच्छा तेजी दिखा दिया, तो हमें ये मंडे को भी एक अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है। ठीक है, तो चलिए जो लेवल्स है उसको देख लेते हैं। तो लेवल्स को प्रॉपरली तरीके से नोट करिएगा, मंडे को जब हम इस स्टॉक को अगर बाय करेंगे तो 2765 रुपये से थोड़ी सी दूर से बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से टारगेट लगाएंगे 2785 का, जो होगा हमारा 20 पॉइंट का। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट करता हूँ।
वो पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट गुरु एफ एंड ओ कॉल का टेलीग्राम चैनल, जहां पर डेली बेसिस पे से बेहतरीन ऑप्शन के कॉल देते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी का पुट बाय करवाया था, ठीक है, मोमेंटम अच्छा मिला, ठीक है, लेकिन जाके ऐसा लेट हो गया और एक और लेवल दिया था, जब तक बैंक निफ्टी का लेवल यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा था तो हमने टाटा कम्युनिकेशन का दे दिया था, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो पाया। हमारा बैंक निफ्टी का लेवल एसएल हुआ तो वो सडनली देखिए यहाँ पर एसएल हिट भी हुआ ना, तो कितने बेकार तरीके से हुआ। एक सिंगल कैंडल में जब बायर्स की एक्टिविटी हो जाती है तो मोमेंटम खत्म हो जाता है। देखिए 10 सेकंड के अंदर अंदर बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया था उस दिन, ठीक है। तो ऐसे एकदम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ऐसे डेली बेसिस पे लेवल्स देते हैं ऑप्शन के, ठीक है। उसके साथ देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम आईडी नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछना है दोस्तों, टेक्निकल, फंडामेंटल, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म, कुछ भी चीज़ें पूछना है दोस्तों, आप यहां पर कॉन्टैक्ट करिए, बाकायदा हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे दोस्तों। और इस सर्विस का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, मतलब आप लोगों के लिए यहां पर हेल्प की जा चाहिए। तो दोनों हाथ से दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को गेन करिए, क्योंकि एक तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और दूसरी सबसे बड़ी ये वाली है, ठीक है। कहीं नहीं आप लोगों को दोस्तों इस प्रकार की सर्विस मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो जाइए। चलिए एसआरएफ का एसएल जान लेते हैं। अगर दोस्तों हम इसको 65 से बाय कर रहे हैं, मतलब 2765 से बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो 2755 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है, और 2785 का हमारा जो सॉरी 2755 का एसएल और 2785 का हमारा टारगेट है, ठीक है। चलिए सेकंड स्टॉक को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1.75% की तेज़ी देखने को मिली, 2788 रुपये पर क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 2752.80 रुपये, स्टॉक ओपन होता है 2788.55 रुपये, हाई लगाता है 2824.90 रुपये और लो लगाता है 2768.55 रुपये। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ऑलमोस्ट 10 लाख क्वांटिटी का यहां पर वॉल्यूम भी देखने को मिला। और साथ में देखते हैं दोस्तों यहां पर जो डिलीवरी पैटर्न है वो, इसमें भी बहुत जोरदार डिलीवरी पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है, लगभग 488,000 क्वांटिटी का डिलीवरी पैटर्न, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो जुबिलेंट फूड में भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, मंडे के लिए क्या मूवमेंट मिलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जुबिलेंट फूड का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, अवरली चार्ट लगा हुआ है। अब देखिए अवरली चार्ट पे एक सबसे बेहतरीन पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये वाला देखिए, ठीक है, ये एक हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है जो 2600 का है, ठीक है। ऊपर हाई लेवल देखिए जो हमारा बना हुआ है 2650 रुपये का। अब एक घंटे का एक कैंडल है तो देखिए एक ही लेवल पर कितना टाइम बिता है स्टॉक ने, ठीक है, 16, 21, 23, 25, 29 और इसके बीच में जब भी मार्केट ओपन हुआ इतने दिन, ठीक है, ब्रेकआउट आया एक सिंगल कैंडल में, मतलब एक सिंगल घंटे में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कंटिन्यूसली ऊपर वे में गया, ऊपर वे में जाने के बाद दोस्तों जब स्टॉक नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया। यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट क्यों बनाया, जो हमारा 2760 रुपये का लेवल था, जैसे कि ये देखिए ये वाले लेवल पे इसने सपोर्ट क्यों बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ से 3-4 कैंडल मतलब यहाँ पर बना हुआ है, मतलब 2760 रुपये का लेवल में 3-4 कैंडल ने टेस्टिंग की थी, ठीक है, फिर ब्रेकआउट ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट, फिर यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है, फिर यहाँ पर रिजेक्शन और फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट। तो एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक आराम से अपना ये वाला लेवल तो एक बार टेस्ट जरूर करेगा, इस कदर करेगा और फिर नीचे आ सकता है या यहाँ से आके फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये वाला लेवल तो हमें डेफिनेटली जुबिलेंट फूड का जो स्टॉक है वो दिखा सकता है, जो लगभग 2840 रुपये से 2850 रुपये का हो रहा है। तो इसी बीच हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मंडे को। तो चलिए जो लेवल से वो अपडेट कर देता हूँ, तो प्रॉपर तरीके से लेवल्स को नोट करिएगा। अगर दोस्तों आपको मंडे को ये स्टॉक मिलता है 2720 रुपये के आसपास, सॉरी 2820 रुपये के आसपास, तो ज़रूर इसको बाय करिएगा, ठीक है। टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 2845 का लगाइएगा और एसएल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो ऑलमोस्ट आप एसएल लेके चलिएगा 2810 रुपये का, ठीक है। 10 पॉइंट का हो रहा है हमारा एसएल और लगभग दोस्तों 25 पॉइंट का हो रहा है हमारा टारगेट जुबिलेंट फूड में। तो जुबिलेंट फूड और एसआरएफ ये दो टेक्निकल एनालिसिस वाले बेहतरीन स्टॉक है जो हमने आप लोगों को अपडेट किए। आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है आप उस अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करिए और साथ में दोस्तों हमने जो भी टारगेट दिया आप उसका बिल्कुल ना वेट करें, हमने जो भी एसएल दिया उसका बिल्कुल ना वेट करें। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट दिख रहा है करेंट में उसको बुक करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1.50 पैसे से दोस्तों हमारा टारगेट मिस हो जाता है और उसके बाद एसएल ईटो तो मजा नहीं आता है। सेम सिचुएशन दोस्तों
आप SL में भी यूज़ करके चलिएगा, ठीक है। और आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ब्रोकर है, उनसे भी कंसल्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये दो बेहतरीन इंट्राडे की टिप्स थी मंडे के लिए, जो आपको पसंद आए होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते। तो थैंक यू दोस्तों।